दोस्तों आज ये चीज़ बताने वाले हैं आपको, ये जो चॉपर मशीन करने के लिए हम लोग प्याज वगैरह लहसुन आदि हरा मिर्चा को चॉपर बनाते हैं और आपके यहाँ ये मशीन ख़राब हो जाता है, तो इसे बनाना बिल्कुल आसान है, केवल इसका आपको जानकारी होना चाहिए। ऊपर से आप खोलेंगे तो इस तरह से, इस ऊपर से कुछ भी नहीं है, जैसे कि हम यहाँ से खोलते हैं तो यहाँ पेचकस वगैरह कुछ नहीं है, तो इसको इसी तरह हम लॉक कर देंगे और इसे बिल्कुल ही ना फेंके। हमारा वीडियो देख के तो आप बिल्कुल ही नहीं फेंकेंगे। अब हमें करना क्या है, इसे अच्छा से बैठा लेते हैं घाट में, ऐसे करके हमें बैठा लेना है। बैठ गया, अब हमें क्या करना है, इस तरह से समझना है कि यहाँ इधर से हमारा पेचकस होगा, तो जो ये डीप डीप आपको दाग दिख रहा है तो तीन दाग है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक पहले से हम हॉल कर चुके हैं, और दूसरा हॉल करने के लिए आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है कि ये हॉल होता कैसे है। तो इसको हॉल करने के लिए हमें चलना होगा किचन में, क्योंकि गैस में इसे गर्म करके इसे हॉल करेंगे। तो दोस्तों ये लॉक जो है हमने हटा दिए हैं, ये आप लॉक मेरे हाथ में देख रहे हैं और ये बहुत ही आसानी से हमारा खुल चुका है, और ये मेरा अटक सा गया था, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा ये हमारा काम करना स्टार्ट हो गया है, देख सकते हैं। तो अब इसे हमें करना क्या है, ये तीन को जो है आपको इसमें हमको स्क्रू डालना है इस तरह से, अब इसे हमें फिट करना है इस तरह से। यदि आपको धागा बदलना है तो धागा बदलने के लिए आपको क्या करना होगा, इसे खोलना होगा। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये जो हमारा धागा जो है हम हर तरह से देख रहे हैं, ये धागा हमारा मजबूत है, आप देख सकते हैं धागा जो है हमारा मजबूत है, तो हमारा धागा बदली करने का कोई मतलब नहीं है। यदि आप धागा बदली करना चाहते हैं तो आपको इसे खोलना होगा इस तरह से। अब हमें लग रहा है कि हमारा धागा सही है, तो हमें क्या करना है, इस तरह से उसी तरह लॉक लगाना है। लॉक लग गया, अब हमें इस तरह से इसमें फिट कर देना है। अब हमें क्या करना है, इस तरह से दबा देना है, ये आपका बनकर रेडी हो गया। अब आपको पीस कर दिखाते हैं, ये रहा हमारा टमाटर, और टमाटर आपको पीस कर दिखाना चाहते हैं कि हमारा मशीन बनकर तैयार हो चुका है। तो दोस्तों देख सकते हैं, हम सोचे कि हमारा जो ये धागा है वो ठीक है, पर ये टमाटर तो पिस चुका है, हल्का पिसाया है, पर ये हमारा ख़राब हो चुका है। तो धागा बदली करने के लिए आपको दिखाते हैं कि धागा आप कैसे बदली कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा ये खुलता है, इसे खोलना है, ये खुल चुका, अब इसे क्या करना है, इस तरह से धागा को निकालना है। अब हमें यहाँ से समाना है, तो दोस्तों इसे हम इस तरफ से डाल दिए हैं, और डालने के बाद इसका धागा जो है हमें ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है, तो इतना ही बड़ा धागा रहता है, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं रहता है, तो इसे हम अब कट कर देंगे, यहाँ से हम कट लगा देते हैं।
और इसे क्या करेंगे, इस तरह से गांठ लगा देंगे और इसमें इस तरह डाल देंगे। डालने के बाद बिल्कुल इसी तरह लॉक कर देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो हमारा धागा है ये जूते का धागा है और जूते का धागा मजबूत होता है और इस चीज़ के लिए मजबूती ही धागा चाहिए। यहाँ से डालने के बाद इस जगह से डाले हैं और इस जगह में हम गांठ लगा कर और यहाँ जो है हमने लॉक लगा दिए हैं। ये बहुत ही आसानी से घर पर बन जाता है। सबसे पहला बात है कि इसका स्क्रू कोई भी खोज नहीं पाता है, पर इस तरह से दिया है और देख सकते हैं कितना फ्री चल रहा है। तो आपको हम पीस के भी दिखाएंगे कि कैसे इसमें पिसा जाता है। तो सबसे पहले इसका हम ये लॉक लगा दें। तो दोस्तों अब हमें इसे क्या करना है, इस तरह से पैक। अब इसे क्या करना है, दाब देना है। तो आपका इस तरह बैठ गया। अब बैठने के बाद अब हम पीस के देखते हैं, जो पिछले बार हमारा पिसाया नहीं तो अब हम पीस के देखते हैं कि हमारा ये पीस रहा या नहीं। बहुत ही आसानी से पिसा जा रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से हमारा पीस चुका है। अब इसे हम देखते हैं, ये हमारा बहुत ही आसानी से हमारा पिसा गया, चॉप हो गया। तो इस तरह से आप अपने घर पर मशीन को फेंके ना और इसे आप बना सकते हैं। तो इस तरह का जानकारी हमारा कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।